बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे एक समान वृत्तीय गति में अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है। यहाँ पर जो एक समान वृत्तीय गति हो रही है वो प्लेन में है, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है कि ये वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर है, लेकिन नहीं। इसको अगर ऐसे समझिए, यह एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और इधर है जेड एक्सिस। अगर कोई सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा हो, इस तरह का हो रहा हो, ऐसे इस तरह से, तो ये समझिए कि ये प्लेन में हो रहा है, एक्स जेड प्लेन में हो रहा है ऐसे ऐसे, और वाई एक्सिस जो है इसकी क्या है, परपेंडिकुलर है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये। अब एक समान वृत्तीय गति हो रही है, एक समान जब रेखीय गति होती है ऐसे, एक समान रेखीय गति यानी हर जगह भी इक्वल हो, तो यहाँ पर कहते हैं त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसमें त्वरण शून्य नहीं होता है। वेलोसिटी समान है लेकिन त्वरण शून्य नहीं है। क्यों नहीं होता है, पहले इसको समझते हैं, फिर देखते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये जानते हैं कि वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर हर एक क्षण पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल है, इसलिए एक्सेलरेशन ए इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इक्वल टू जीरो होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इसका मैग्नीट्यूड तो इक्वल समान होता है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ पर देखा जाए तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, मैग्नीट्यूड तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है, बदल रही है। और हम जानते हैं कि इक्वल वेक्टर तभी होता है जब वह परिमाण में समान हो और एक ही डायरेक्शन में लगे हों। आपको वेक्टर के बारे में बताया गया है, इसे दो वेक्टर इक्वल तभी होते हैं, इक्वल वेक्टर तभी होते हैं अगर यह वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और सेम डायरेक्शन में हो, तब कहते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। तो यहाँ पर अगर वी वन वेग है और यहाँ पर वी टू वेग है, दोनों वेग आपस में इक्वल नहीं है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन उनका डायरेक्शन इक्वल नहीं है, इसीलिए दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है, यानी इसके वेलोसिटी में क्या हो रही है, चेंज हो रही है, या कह देंगे इसके डायरेक्शन में चेंज हो रही है, और डायरेक्शन में चेंज होने के कारण इसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसको कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये चीज ध्यान देना है हमको। अब इसमें देखिए, अगर इसका ये सेंटर है, सेंटर है ओ, और कोई पार्टिकल है इस सर्किल में, ऐसे सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, किसी क्षण मान लीजिए पॉइंट पी पर है, पॉइंट पी पर अगर इस पी को ओ से मिला दें तो ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। ये क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं इसको। अगर इस पोजीशन वेक्टर का वैल्यू वेक्टर आर वन है, वेक्टर आर वन इसका रेडियस है, रेडियल वेक्टर है R1, और किसी क्षण बाद ऐसे, और इस समय इसका यहाँ पर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, इस पर टेंजेंट होगा, स्पर्शी होगा, उसको मान लेते हैं यहाँ पर वेक्टर V1। किसी क्षण बाद ये जो पार्टिकल है ये घूमते घूमते आ गया यहाँ पॉइंट Q पर। अब ये पोजीशन वेक्टर था ऐसे, इसका भी डायरेक्शन ऐसे बदलते बदलते यहाँ पे आ गया। अब इसका पोजीशन वेक्टर यह जो है हो गया R2, ये पोजीशन वेक्टर हो गया R2। देखिए इसका मैग्नीट्यूड तो बराबर है, मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, बदल गया, पहले था इस डायरेक्शन में, अब हो गया यह इस डायरेक्शन में। और यहां पर देखा जाए अगर इसकी जो है वेलोसिटी पार्टिकल की, तो यहां पर परपेंडिकुलर स्पर्शी खींचेंगे ऐसे, तो इधर हो गया वेक्टर v2, वेक्टर v2।
देखिए ये वी वन और वी टू दोनों का मैग्नीट्यूड तो समान है लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है अलग अलग है। आर वन और आर टू दोनों रेडियस हैं, रेडियल वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड तो समान है लेकिन इनका डायरेक्शन क्या है अलग अलग है। यानी आर वन और आर टू की जो स्थिति है वही वी वन और वी टू की स्थिति है। दोनों का मैग्नीट्यूड समान, दोनों का मैग्नीट्यूड समान, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग। और यह कितना कोण ट्रेस किया हुआ है यहां पर डेल्टा थीटा। ना कोई कण आर त्रिज्या के प्रति पथ पर एक समान चाल भी से गति कर रहा है। सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा टी में कण वृत्तीय पथ पर बिंदु पी से क्यू तक विस्थापित होकर वृत्तीय पथ पर डेल्टा एस दूरी तय करता है। केंद्र पर डेल्टा थीटा कोणीय विस्थापित होता है। ये जो डेल्टा टी समय अंतराल में जो तय करता है यह डेल्टा एस दूरी विस्थापित हो जाता है। बिंदु पी और क्यू पर, बिंदु पी व क्यू पर कण का वेग वेक्टर वी वन व वेक्टर वी टू है तथा इनका परिमाण आपस में बराबर है परंतु इनकी दिशाएं बिंदु P व Q पर वृत्त के स्पर्शी दिशा में है, वृत्त के स्पर्शी दिशा में है। P से Q तक जाने में वेग में परिवर्तन वेक्टर वी वन माइनस वेक्टर वी टू बराबर डेल्टा वी, वेक्टर वी वन माइनस वेक्टर वी टू इज इक्वल टू डेल्टा वी परिवर्तन। अब जो ध्यान देना है आपको ये कि देखिए यहां पर जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वी वन और वी टू और रेडियस में भी परिवर्तन हो रहा है आर वन से कहाँ जा रहा है आर टू, जो यहाँ पर रेडियस वेक्टर जितना एंगल ट्रेस कर रहा है उतना ही एंगल वी वन और वी टू के बीच में होगा। जैसे यहाँ पर वी वन है और इस वेक्टर को उठा के जोड़ दें यहाँ पर तो यह जो है वी टू है, इनके भी बीच का एंगल डेल्टा थीटा ही होगा। कैसे देखिए इस समय ये वी वन है, यहां पर भी एक वी वन है और रेडियस वेक्टर आर वन है, दोनों के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री परपेंडिकुलर है और यहां पर भी दोनों के बीच का एंगल क्या है परपेंडिकुलर है। यानी जैसे जैसे जितना एंगल ये घूम रहा है उतना ही एंगल ये भी घूम रहा है और यह घूमते घूमते डेल्टा थीटा घूम गया, तो इसका मतलब वी वन और वी टू के बीच का भी एंगल कितना हो गया डेल्टा थीटा हो गया, क्योंकि इनके बीच का एंगल हर जगह क्या है 90 डिग्री है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए, अगर इसको हम पीछे की तरफ लाएं और यहां पे ला दें तो R2 R1 पे आ जाएगा और V1 V2 पे आ जाएगा, तो V1 और V2 के बीच का एंगल भी 0 डिग्री, R1 और R2 के बीच का भी एंगल 0 डिग्री। यानी 0 डिग्री कब है जब R2 R1 पे आ गया और V1 V2 पे आ गया। यानी जब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो एंगल धीरे धीरे घटेगा, घटते घटते जब इसके बीच में R1 और R2 के बीच का 0 होगा तो V1 और V2 के बीच का भी 0 होगा। या इसको समझने के लिए एक और तरीका है, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो एक तरीका और देखिए क्या होता है। ऐसे हमने खींच दिया एक R1 है, ये अलग से समझिए R1 है और R1 पर ऐसे V1 क्या है परपेंडिकुलर है, ऐसे ये जो है हमारा V1 है और ये क्या है R1 है, 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ पर R2 है, ऐसे क्या है ये R2 है और इनके बीच का एंगल क्या है डेल्टा थीटा है और R2 पर परपेंडिकुलर ऐसे V1 है। देखिए ये V1 है V2 है तो यहाँ पर हमने V2 कर दिया, इधर जो है V2 है, इधर V2 हो गया, इधर V1 हो गया। अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं, अगर हम इसको पीछे बढ़ाते हैं ऐसे
इसको भी बढ़ाते हैं पीछे अगर ऐसे 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 बनता है। ये 90 डिग्री है और ये डेल्टा थीटा डिग्री है, तो ये ट्रेंगल जो बन रहा है यह एंगल कितना होगा, यह एंगल होगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल। अब यह 90 है और ये भी 90 है, ये 90 माइनस थीटा है तो यह एंगल क्या होगा, थीटा, तो ये भी एंगल होगा थीटा, क्योंकि सिरसा विमुख और अल्टरनेटिव एंगल है। तो देखिए वी वन और वी टू के बीच का एंगल क्या आ गया, थीटा। तो जो आर वन और आर टू के बीच का एंगल होगा वही वी वन और वी टू के बीच का भी एंगल होगा। डेल्टा टी टाइम में जितना एंगल ट्रेस होगा ये सेंटर पे, उतना ही एंगल ट्रेस होगा वी वन और वी टू के बीच में। अब देखिए आर वन और आर टू, आर वन और आर टू ये दोनों क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। वी वन और वी टू दोनों के बीच, दोनों का जो है मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन इनका डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। दोनों में समानताएं हैं, आर वन आर टू का मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अलग अलग। वी वन और वी टू का मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अलग अलग। इनके बीच का एंगल डेल्टा थीटा, इसके बीच का भी एंगल डेल्टा थीटा। तो अब समझ जाइए आप कि दोनों दोनों में इक्वलिटी है, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है। तो सिमिलरिटी है तो यहाँ पर हम देखते हैं, दो ट्रायंगल बनाते हैं और दोनों में सिमिलरिटी देखते हैं। अब देखिए जब हमको परिवर्तन निकालना होता है, चेंज निकालना होता है दो वेक्टरों के बीच में, तो उसका भी तरीका जान लीजिए। अगर हमारे पास दो वेक्टर है ऐसे ऐसे दो वेक्टर, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर मान लीजिए ए है और एक वेक्टर बी है, यहाँ वी वन और वी टू है तो वी वन और वी टू ले सकते हैं। इन दोनों को जोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं, एक ऐसे पैरेललोग्राम बनाते हैं, ऐसे पैरेललोग्राम, और दोनों जो वेक्टर का जो सम निकालना होता है दोनों वेक्टरों के टेल से, और दोनों वेक्टरों का अगर पैरेललोग्राम बनाएंगे ऐसे, एक वेक्टर इस वेक्टर को यहाँ खींचते हैं, इस वेक्टर को, तो इसके टेल से हेड को मिला देते हैं, ये कहलाता है एडिशन कहलाता है, और वेक्टरों का सबट्रैक्शन का कहलाता है। अगर वेक्टर मान लीजिए ये वी वन है और एक वेक्टर यहां पर वी टू है, अब दोनों के जो है क्या करेंगे, हेड से हेड को मिला देंगे। अगर वी वन से वी टू का करना है हमें निकालना है, चेंज निकालना है या अंतर निकालना है, तो वी से दोनों वेक्टरों के हेड को मिला देंगे, ए कहलाएगा डेल्टा वी, डेल्टा भी आ जाएगा, इसको सब्सट्रैक्शन कहते हैं। जोड़ने की तरीका क्या होता है, दोनों वेक्टरों के हेड को आपस में मिला दीजिए तो एक कहलाएगा दोनों का अंतर, और दोनों वेक्टरों का जो टेल है अगर हेड से मिला दीजिए तब एक कहलाएगा एडिशन। ये तो आप पहले से जानते हैं। तो हमें क्या करना है, यहां पर देखिए पी क्यू, ये जो हमारा जो है ट्रायंगल है ये ओ पी, यहां पर हम क्यू कर दे रहे हैं, इसको ऐसे मिला दे रहे हैं, इसे समझने के लिए ऐसे मिला दे रहा है, बहुत सूक्ष्म समय अंतराल होता है डेल्टा टी। अगर यह जो है यह डेल्टा आर है या डेल्टा एस ऐसे, या आर ही कर दीजिए, आर वन आर टू है तो इसको लिख दिया हमने डेल्टा आर, डेल्टा आर कर दिया, और इसको जो है जब वी वन और वी टू को यहाँ पर ट्रेस किया तो इनके बीच जो है चेंजिंग आ गया यहाँ पर डेल्टा वी, ये वी वन है और ये वेक्टर वी टू है, और लिख सकते हैं माड वेक्टर वी वन बराबर माड वेक्टर वी टू बराबर वी, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और यहाँ पर लिख सकते हैं माड आर वन इक्वल टू माड आर टू इक्वल टू आर। इसका मतलब ये होता है कि ये जो है डायरेक्शन तो अलग अलग है लेकिन इनका मैग्नीट्यूड क्या है, समान है, परिमाण में समान है। अगर यहाँ पर पॉइंट हम मान लेते हैं ए बी सी, अब दो ट्रायंगल देखिए यहाँ पर ओ पी क्यू और ए बी सी, दोनों सिमिलर हैं, दोनों के दोनों सिमिलर हैं, और जब सिमिलर हैं तो दोनों सिमिलर हैं तो इनके भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समयांतराल डेल्टा टी अत्यंत सूक्ष्म है, समयांतराल पी से क्यू तक जाने में जो टाइम लगा है वो समयांतराल डेल्टा टी अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए जीवा पी क्यू, ये जो जीवा है ये पी क्यू और ये चाप जो है पी क्यू, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे और छोटे होंगे, इसलिए जीवा पी क्यू तथा इसको चाप भी कहते हैं, ऐसे आएंगे तो चाप का आर कहलाता है, चाप पी क्यू
आपस में बराबर होगा, अर्थात डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा एस। ये डेल्टा आर जो होगा डेल्टा एस के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। डेल्टा टी समय अंतराल अत्यंत सूक्ष्म होगा तो अत्यंत सूक्ष्म कोण घूमेगा, और जो बहुत छोटा कोण घूमेगा तो डेल्टा आर डेल्टा एस के क्या होगा, बराबर होगा। अतः त्रिभुज ओ पी क्यू तथा त्रिभुज ए बी सी सम रूप है, दोनों समरूप है, तो इसलिए देखिए इसका जो है अंतर कितना है, डेल्टा एस पी से क्यू तक, डेल्टा एस अपान कोई भी एक भुजा ले लीजिए इसमें से, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर इज इक्वल टू, इसमें अंतर क्या है, डेल्टा भी, और इसमें से कोई एक साइड ले लीजिए भी वन या भी टू, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, भी, तो अपान भी, डेल्टा एस अपान आर इज इक्वल टू डेल्टा भी अपान भी। डेल्टा टी अत्यंत सूक्ष्म है अर्थात दोनों का लिमिट ले ले रहे हैं, इसे लिमिट डेल्टा टी टाइम्स टू जीरो डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, आर को बाहर कर दीजिए वन अपान आर, भी को बाहर कर दीजिए भी, लिमिट डेल्टा टी टाइम्स टू जीरो डेल्टा भी अपान डेल्टा टी, लिमिटिंग वैल्यू ले लिया, तात्क्षणिक, तत्क्षणिक का मतलब तत्काल जो है वेग में परिवर्तन कितना हुआ, और इसको लिखते हैं डी एस अपॉन डी टी, तो यह हो जाएगा वन बाई आर डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू वन बाई भी, इसको लिखेंगे डी भी अपॉन डी टी, ये डी भी अपॉन डी टी, ये डी एस अपॉन डी टी, ये होता है क्या, वेलोसिटी होती है, तो यह हो जाएगा भी बाई आर इज इक्वल टू, इसको कहते हैं एक्सलरेशन, तो ए बाई भी, तो एक हो जाएगा ए इज इक्वल टू भी स्क्वायर बाई आर, इसे कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण, इक्वल टू भी स्क्वायर बाई आर, और हम जानते हैं भी इक्वल टू होता है आर ओमेगा, तो ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर, आर से एक आर कैंसिल, तो ए इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, एक फार्मूला ये भी हो गया, एक फार्मूला ये भी हो गया, और आप जानते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं भी इक्वल टू आर ओमेगा, तो आर इक्वल टू हो जाएगा भी बाई ओमेगा, तो ए इक्वल टू भी बाई ओमेगा इन टू ओमेगा स्क्वायर, तो यह हो जाएगा ए इज इक्वल टू भी ओमेगा, एक फार्मूला यह भी हो जाएगा। अब आता है कि अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण जो होता है इसकी डायरेक्शन किधर होती है, अभिकेंद्र त्वरण की जो डायरेक्शन होती है वह वृत्त के केंद्र की ओर होती है, त्रिज्या के डायरेक्शन में होती है और केंद्र की ओर होती है, ऐसे ए, इसलिए इसे अभिकेंद्र त्वरण या त्रिज त्वरण भी कहते हैं, इसका नाम अभिकेंद्र त्वरण या इसे कहते हैं त्रिज्य त्वरण। त्रिज त्वरण का मतलब रेडियल एक्सेलरेशन, दोनों नामों से जाना जाता है इसे, और चूंकि ये वेलोसिटी के अभिलंबवत होता है, जिस पॉइंट पर वेलोसिटी ये देख रहे हैं भी वन, इसके अभिलंबवत है, इसलिए इसे अभिलंब त्वरण भी कहते हैं, अभिलंब त्वरण, इसको तीन नामों से जानते हैं, अभिकेंद्र त्वरण भी कहते हैं, त्रिज त्वरण भी कहते हैं, और अभिलंब त्वरण भी कहते हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दिशा त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की और होती है, ये डायरेक्शन है इसका, हर जगह इसका डायरेक्शन यहाँ पर देखेंगे, ये डायरेक्शन जो है हमेशा केंद्र की ओर होता है।
की गति में कण का त्वरण। अब ऐसी गति हो रहा हो जिसमें कण का जो है वेलोसिटी जो है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, वह जो है परिवर्ती गति से नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर इस पॉइंट पर लेते हैं, कोई एक पॉइंट है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई पॉइंट कण है, और इसकी जो वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसके स्पर्शी होगी ऐसे। तो ये जो वेलोसिटी है इसमें भी चेंज हो रहा है, और जब इस वेलोसिटी में इसको बोलते हैं स्पर्शरेखी वेग बोलते हैं, तो इसमें जब वेलोसिटी में जब चेंज होगी तो इसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे कहते हैं एटी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और अंदर की तरफ जो लगता है एक्सेलरेशन उसे कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण या रेडियल एक्सेलरेशन ER। और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है क्या होगा, तो इसको अगर इस डायरेक्शन में है तो ऐसे क्या करें, इस पर एक पैरेललोग्राम बनाएं और यहाँ से इसको ऐसे मिलाएं, ऐसे पैरेललोग्राम बना करके मिला दिया जाए तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा कुछ ऐसा आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में यह ए होगा। और ए टी और ए आर, ए टी का मतलब होता है स्पर्शरेखी त्वरण, ए आर का मतलब होता है रेडियल एक्सेलरेशन, और यह टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए होगा, और दोनों वेक्टरों के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो ए की वैल्यू त्रिज्यत्वरण या इसको बोलते हैं अभिकेंद्र त्वरण ए आर लिखते हैं रेडियल एक्सेलरेशन के साथ साथ स्पर्शरेखी त्वरण भी होता है। वृत्ति गति में रेखी त्वरण का वह घटक जिसके कारण कण के वेग का परिमाण लगातार बदलता रहता है स्पर्शरेखी त्वरण कहलाता है। स्पर्शरेखी त्वरण इसको लिखते हैं ए टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यदि डेल्टा टी सूक्ष्म समयांतराल, सूक्ष्म समयांतराल में वेग के परिमाण में वेग के डेल्टा टी समय अंतराल में कण के वेग के परिमाण में, कण के वेग के परिमाण में डेल्टा भी परिवर्तन हो तो तात्क्षणिक स्पर्श रेखीय त्वरण AT इज इक्वल टू लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी, ये कहलाता है आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन AT। और AT का डायरेक्शन देखिए इधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी हर जगह क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ये परिवर्ती वृत्ति गति हो रही है, इसलिए ए टी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। यदि किसी क्षण कण के वेग का परिमाण भी तथा वृत्ति पथ की त्रिज्या आर है, तब कण का तात क्षणिक अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण या इसी को कहते हैं त्रिज्य त्वरण ए आर इज इक्वल टू होता है भी स्क्वायर बाई आर। देखिए ए टी और ए आर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब इसमें दो त्वरण उत्पन्न हो गए, परिवर्ती वृत्ति गति में कितने त्वरण हो गए, दो त्वरण हो गए, एक ए टी और ए आर, इन दोनों का परिणामी क्या होगा ए, और दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। स्पर्श रेखीय त्वरण, ये जो स्पर्श रेखीय त्वरण तथा त्रिज्य त्वरण, त्रिज्य त्वरण को बार बार कह रहे हैं अभिकेंद्र त्वरण भी है, त्रिज्य त्वरण ए आर रेडियल एक्सेलरेशन ए आर, एक दूसरे के लंबवत होते हैं
अतः कण का परिणामी त्वरण ए इज इक्वल टू, दो वेक्टर हैं ए टी और ए आर और दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, तो लिख सकते हैं इसे ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। अब प्लस होता है 2ab cos 90 की वैल्यू जीरो, ये जीरो हो जाएगा। तो यह हो गया आपका रिजल्टेंट एक्सीलरेशन। इसकी जो डायरेक्शन होती है त्रिज त्वरण से क्या है भिन्न है, स्पर्शरेखी त्वरण से क्या है भिन्न है। इसकी डायरेक्शन जो है इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं होती है। क्वेश्चन है कि एक कार है उसकी वेलोसिटी है 30 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से चल रही है, कहां चल रही है 500 मीटर वृत्ताकार मार्ग पर ऐसे घूम रही है कार, वो 500 मीटर का वृत्ताकार मार्ग है ऐसे घूम रही है और उसकी गति जो है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से क्या हो रही है बढ़ रही है। अब देखिए यहां पर अब फिर कह रहा है बताइए उसका त्वरण कितना होगा, कार जो है कार का जो त्वरण है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की गति से बढ़ रही है, कह रहा है इतने की गति से बढ़ रही है, तो गति से बढ़ रही है तो आप जानते हैं जो रेखी गति होती है वही स्पर्श रेखी त्वरण उत्पन्न करती है, तो स्पर्श रेखी त्वरण डायरेक्ट न दे करके लिखा हुआ है कि इतने की गति से बढ़ रही है, तो ए टी इक्वल टू 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है कि पुनः कह रहा है कि बताइए त्वरण कितना होगा, तो वृत्ति गति होती है उसमें दो त्वरण होते हैं, एक स्पर्शरेखी त्वरण और एक होता है अभिकेंद्र त्वरण। तो यहां पर निकालते हैं अभिकेंद्र त्वरण ए बराबर होता है भी स्क्वायर बाई आर, तो भी की वैल्यू दिया हुआ है 30 का वर्ग करेंगे अब बटे आर की वैल्यू है 500, ये कैंसिल हो जाएगा तो यह हो जाएगा कितना 9/5 या हो जाएगा 1.45/40 तरह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह निकल गया अभिकेंद्र त्वरण। और कह रहा है कि इतने की गति से बढ़ रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये स्पर्शरेखी त्वरण है, तो स्पर्शरेखी त्वरण मालूम हो गया और रेडियल एक्सीलरेशन ए आर मालूम हो गया, तो लिखेंगे कार का परिणामी त्वरण ए इक्वल टू अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, अंडर रूट ए टी की वैल्यू 2 दिया हुआ है तो 2 का स्क्वायर प्लस 1.8 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और 1.8 तो 64 का 4 हासिल 6 8 6 14 और 1 8 4 2 3 और ये हो जाएगा 3.24 इज इक्वल टू अंडर रूट 4 3 7.24। अब 7.24 का अगर वर्गमूल निकाला जाए तो ये जाएगा कई बार में 2 बार में 2 2 4 3 दो जोड़ेंगे 2 और 2 4.24 7 चौको 28 8 चौको 32 7 बार में जाएगा तो लगभग आएगा ये 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार का जो है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा।